बुढ़िया कंडा लीप रही थी, कंडा बना रही थी, इतने में साधु है भिक्षा की तरफ ज्ञापन करने लगे, तो वो जो कंडा की जो कपड़ा था उस कपड़ा को वो इकट्ठा करके साधु के ऊपर फेंक दिया। साधु बड़े खुश हैं, क्यों भैया रोज मैं आता था मुझे कुछ भिक्षा ही नहीं मिलता था, आज तो बुढ़िया ने मुझे भिक्षा ही दे दिया। उसको उठा करके लेके आए, जैसे घर में पहले लिपा पोता लगाते ना, जैसे गोबर मिट्टी से जो घर को पोतते थे, वो सबर सबर पोत रहे थे अपना घर को, और इतने में साधु ने आए बोले भिक्षा हम देगी कुछ भिक्षा, तो बोले तारीखे तेरे को शर्म नहीं लगता, तो सवेर सवेर भीख मांगने के लिए आ गए, लो लो उठाया आपको कपड़े को हाँ, जो गोबर और मिट्टी से जो पोता हुआ मारा फेंका। उसने देखा माता तो कुछ देती नहीं, कम से कम आज तक कपड़ा दे दी, मेरे बड़े खुश होकर ले गए उसको, ले गए घर पे ले आए। बड़े ही श्रद्धा से उन्होंने क्या किया, जो भी वस्तु आता है संतों की स्वभाव होता है, वृत्ति होती है कि जो भी वस्तु उनको मिलता है चाहे वो पचा गला भी सड़ा गला हो, जितना अंश उसका सही होता है बाकी हिस्से को बात दे करके उसको ही धो बोल करके उसको फिर भगवान की सेवा में चढ़ा देते हैं। और ऐसे ही भगवान जो संत अपने को ही खुद भगवान के चढ़ा दिया है, अब वो भगवान के लिए हो गया, इसीलिए शिक्षा यही है कि जो भी वस्तु आता है उसको वो तुरंत ही भगवान के चरण में अर्पण करता है। तो उस दिन क्या हुआ, उस जो कपड़ा को उसने क्या किए संत ने धो के अच्छे से उसकी बत्ती बनाए, और उस बत्ती से ठाकुर जी के चरण में उन्होंने प्रदीप लगाकर उस बूढ़ी मैया की जो दी हुई भिक्षा को उन्होंने भगवत चरण तक ले गए। जब भी कोई भगवान की कोई वस्तु हम अर्पण करते हैं ना, भगवान से जो प्राप्त होता है उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, इसीलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, यत करोषि यत अश्नासि यजुहोषि, कुछ करते हो कुछ खाते हो जो कुछ यज्ञ करते हो तपस्यसि, जो तपस्या करते हो तत् पुरुषो मत अर्पणम, जो भी कुछ करते हो मुझे अर्पण करो, उससे क्या है लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौते प्रसंग समाचार, जो मुझे तुम देते हो उससे मैं तुमको जो देता हूँ उसके बदले में मान लीजिए प्रसाद है, प्रसाद से मैं तुमको क्या दूंगा, प्रसाद से मैं तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर दूंगा। परसों ही महाराज जी मुझे बता रहे थे हमारे उड़ीसा में क्या होता है, जब कहीं ब्याह बारात्री आते हैं, बारात में क्या होता है कि जो भोजन होता है ना वो बहुत अशुद्ध होता है, आमिष मीट मछली अंडा इत्यादि उसमें प्रयोग करते हैं, सभी लोग खाते हैं उसको, तो तामसिक पदार्थ को खाने से सेवन करने से तामसिक गुण उत्पन्न होते हैं, तो बहुत लड़ाई वगैरह बेवजह, अगर मान लीजिए कुछ भी मतलब टूटा फूटा सा कहीं भी दिख जाता है किनको, तो तुरंत उन्होंने क्या करते हैं गंडगोल करना, तुरंत वो लड़ झगड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से खाद्य से क्या होता है हमारा हृदय अशुद्ध होता है। जब इस बात को वे लोग विचार करते हैं तो क्या करते हैं कि ठाकुर जी की जो जगन्नाथ मंदिर वहां पे है, मंदिर से कुछ प्रसाद को लेकर के जब बारात लोगों को खिलाते हैं, अब भैया किसी की हिम्मत ही नहीं होता है क्योंकि वे जानते हैं ये तो ठाकुर जी महाप्रसाद है, इसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकता, भगवान के प्रसाद को छोड़ करके बाकी जो भी आप करो चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु वे लोग उसमें क्या करते हैं बेवजह लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, यानी कि भगवान के प्रसाद की इतनी महिमा है किसी की हिम्मत तक भी नहीं होता है भगवान के प्रसाद को निंदा करने की। तो वही चीज कह रहे हैं कि जो भी कुछ करते हो उससे मैं इतना तुमको देता हूँ तुम्हारा हृदय से शुद्ध हो जाता है। महाराज जी जब अगले दिन भिक्षा करने जाए, देखा बड़े प्यार से जो बूढ़ी मैया थी उन्होंने उनको स्वागत कर रहे हैं, जब उनके घर पर आए पहले तो डर गए थे, कल तो मुझे कपड़ा फेंका था आज मुझे ईंट का कपड़ा फेंक दें, उन्होंने तुरंत क्या करते बच बच के विचार दी भगवती विचार दी उच्चारण करने मात्र में वो बड़े श्रद्धा के साथ आकर के आर्य साधु मेरे अहोभाग्य है कि आज आप हमारे घर पे पधारे हैं, मैंने इतने दुष्ट हूँ कि मैंने आपको समझ नहीं पाया इतने दिनों से, इसलिए आप मेरे अपराध को मार्जन करो और मेरे घर पे आपकी चरण को स्थापन करो और मुझे कृतार्थ करो। इस बात को जब सुनते हैं वो बड़े हैरान होते हैं कि वास्तव में क्या है ऐसा हो गया, एक रात में क्या ऐसा हो गया, क्योंकि उस रात में उन्होंने उनकी दी हुई वस्तु को भगवान के चरण तक ले गए थे। तो इसी प्रकार से आज ग्रेटर नोएडा में ये जो कथा हो रही है हमारे बीच में, जो महाराज जी हमको आज कथा सुनाए हैं हमसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, इस बात को याद रखो हमसे कुछ भी लेने के लिए नहीं आए। उदाहरण देखो मैं कैसे देखो प्रमाण करता हूँ, ये जगत किसका है भगवान का है, भगवान क्या कहते हैं साधव हृदय मह्यम अहम भक्ति पराधीन हो कि मैं भक्तों की पराधीन हूँ, यानी कि भक्तों से भी भगवान अपने से भी बड़े मानते हैं भक्तों को,
जो भगवान के शरण में आया, भगवान उसके लिए सारा सब कुछ निछावर कर देते, जैसे कि महाराज जी ने सुदामा के चरित्र के माध्यम से हमको इस कथा की शिक्षा दी थी। एक मुट्ठी चिड़वा की इतने वैल्यू, और भगवान उनको क्या दे दिया, पूरा लोक लोक दे दिया उनको। ध्रुव जी स्तुति तो करी थी, भगवान इतने स्तुति प्रिय है, उनको एक जैसा अपने जैसा एक लोक प्रदान कर दिया, आज भी वो अच्छे हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा हमारे जो महाराज जी ये क्या करते हैं, पूरे जीवन इनकी ये प्रचार ही उनका सार हुआ है। आज तक 50 साल इन्होंने केवल जीवों के प्रति, जो आत्म हृदय, जो दुखी हृदय, जो लोग हैं हम लोगों के प्रति कृपा दृष्टि करने के लिए कहां कहां नहीं जाते हैं। मैं कम से कम 5 साल से महाराज जी को देख रहा हूँ, महाराज जी की पूरे आज देखो इनकी इतनी महिमा है। वृंदावन में अच्छे खासे भजन कर सकते हैं, वृंदावन में सभी साधु संतों की शिरोमणि बन के रह सकते हैं, परंतु इन्होंने आज इस स्थान पर क्यों आए, कुछ लोगों को जैसे हम जैसे पतित लोगों को कथा सुना करके जैसे तैसे ये न केन प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश भगवान की पधारे बिंदु तक ले आते हैं, तो इतना महिमा युक्त तो होकर के महाराज जी आज हमारे सामने है, परंतु दुर्देव अजानी अनुराग तथा भी फिर भी हमारे उस नाम के प्रति अनुराग ही नहीं होता है। तो इसलिए आपको केवल एकमात्र सार वस्तु देके जा रहे हैं, अगर आपको 100 रुपए में कोई कोटि ब्रह्मांड दान करता है तो आप लोगे या नहीं लोगे, ऑब्वियसली लोगे। इसी प्रकार से महाराज जी क्या कर रहे हैं, केवल कथा के माध्यम से हरिनाम तिलक एकादशी और तुलसी कट्टी धारण इन चार वस्तु के माध्यम से आपको वैष्णव प्रदान कर रहे हैं। जिस वैष्णवता की कामना शिव जी करते हैं कि मैं भी कभी वैष्णव बन जाऊं, तो ऐसे महाराज जी हमको वैष्णवता को प्रदान करने आते हैं, जो ब्रह्मा जी के भी वांछित धन है, ऐसे धन को देने के लिए महाराज जी हमारे पास आए। तो ये जो महाराज जी इनकी कथा सुनने के लिए आप लोग आए शास्त्र में, एक बार सबके सो हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कुछ लेनी चाहिए कुछ देनी चाहिए, बोले क्या ले और क्या दे, बोले जितने गंदी चीज को दे दो और लो क्या, जितने अच्छी चीज, जितने अच्छी चीज को लेकर के जाओ, बोले गंदी चीज को छोड़ो, बोले गंदी चार चीज है। भागवत ने जहाँ पर कली को निवास दिया है, पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य है, जो जुआ खेलते हैं वो सच कभी नहीं बोल सकते। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर हूँ, लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हुई, राज्य गया, भाई गए, द्रौपदी की वस्त्र हरना दिखना पड़ा, फिर 13 साल तक जंगल में भटकना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा देते कोई जुआ नहीं, कभी भी जुआ मत खेलना। धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाएगा। दूसरी नंबर है पानम, किसी तरह का कोई नस्ली वस्तुओं को मत ग्रहण करो। नस्ली वस्तुओं में जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, ये सब चीजों को नहीं लेनी चाहिए, ये गंदी चीज है। कोई नस्ली वस्तु लेने से फिर हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। देखो चाय भी नहीं पीनी चाहिए, क्या नहीं पीनी चाहिए, चाय। बोले आप चाय में क्या दोष है, बोले चाय में कोई दोष नहीं है, चाय की जो पत्ता है ना उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें एक निकोटिन कफिन डालते हैं। जैसे शराब लोग जब शराब नहीं पिए उनको घोड़ा आघात होती है, आप देखना जो चाय पीते हो चाय का समय आ जाए, अगर चाय मत पियो ना देखना सर दुखना शुरू हो जाता है, सर दर्द करता है। बोले क्यों, बोले उसमें कफिन है, उसमें निकोटिन डाला हुआ है। पियो तो दूध पियो, दही पी खाओ, रोटी खाओ। इसलिए कोशिश करना धीरे धीरे
ये विदेशियों ने अपना बिजनेस को चलाने के लिए पहले भारत में बोले देखो एक कप चाय जो पिएगा ना उसको 1.25 रुपया मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? जो चाय पीगा उसको 1.25 रुपया मिलेगा। हम लोगों ने सोचा एक कप चाय पियो और 1.25 रुपया बोले चाय पीना शुरू कर दिया। बोले कुछ दिन बाद में बोले देखो 1 रुपया मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बताए तुम्हें 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा। अभी चाय पी करके हमारा आदत बन गई, चाय के बगैर रह नहीं सकते हैं। बाद में बोले देखो तुमको 25 पैसा देना पड़ेगा, 50 पैसा देना पड़ेगा, 1 रुपया देना पड़ेगा, 5 रुपया देना पड़ेगा। अभी कितना रुपया है? अभी कितना रुपया है? 10 रुपया हो गई। क्या बोले इतने से चाय के लिए 10 रुपया देते हैं? अगर 10 रुपया कोई दूध पीते हैं ना, कोई फल खाओ, अच्छी चीज खाओ इसलिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, सवेरे एक कप चाय पी लो, दोपहर तो कोई चिंता ही नहीं। अरे एक इतनी सी चाय से कोई पेट भरती है? उसमें कैफीन और निकोटीन है, वो जहर है। वो जहर करके ना पेट का भूख को खत्म कर देता है। इसलिए पीना तो अच्छी चीज पियो, बढ़िया चीज पियो, दूध पियो, मट्ठा पियो, फल खाओ। इसलिए कोशिश करना धीरे धीरे, जैसे एक रामदेव वर्क आता है, हर्बल टी आती है, गोकुल टी आती है, तो हेल्थ के लिए अच्छी चीज है। इसलिए किसी तरह का नशीली वस्तु मत लो। जो तीसरी चीज है बोले स्त्री, कली कहाँ पर? बोले स्त्रियों में निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों में कली का निवास है? बोले अवैध रूप में स्त्री जो पुरुष और पुरुष जो स्त्रियों को साथ में मिलते हैं, ये ठीक नहीं। संसार करो, शादी करके पति पत्नी मिल करके संसार करनी चाहिए। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब शास्त्र इसको स्वीकार नहीं किया है, इसलिए सब डाइवोर्स फाइवोर्स उल्टा पुल्टा सब चीजें हो रही है। यहाँ पर शौचकित नष्ट हो जाती है। चौथा चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीजों को नहीं खानी चाहिए। अगर कलयुग में केवल 4 नियम का पालन कर लो, बस थोड़ी सी प्रभु का नाम कीर्तन कर लो, बस बड़ा हमारी पार हो जाएगी। इसलिए ये 4 चीज को छोड़ो। बोले 4 चीज लो। बोले क्या 4 चीज लेंगे? बोले गले में तुलसी की कंठी पहनो। गले में तुलसी की कंठी पहननी चाहिए, क्योंकि ये जो तुलसी है ये लक्ष्मी है। अगर गले में तुलसी कंठी होना, माँ लक्ष्मी की निवास होती है। तुलसी में भगवान बांके बिहारी का निवास है, इसलिए गले में तुलसी कंठी की बड़ी महत्व है। तुलसी कंठी की जब हमारे बड़े गुरु जी अमेरिका गए थे तो वहाँ पर बोले भैया गले में तुलसी माला पहनो। बोले हम लकड़ी क्यों पहनेंगे? हमारे पास में सोने चांदी की क्या कमी है? हम ये लकड़ी नहीं पहनते, हम तो सोने चांदी पहनते हैं। अभी इन्होंने हमारे वेद पुराण से श्लोकों को उठा करके बोले देखो ये तुलसी में कितने शक्ति है। तब अमेरिका में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, बोले भैया ये हिंदू लोग ये एक पेड़ को पूजा क्यों करते हैं? और पेड़ में पानी देते हैं, पेड़ को परिक्रमा करते हैं, पेड़ को आरती उतारते हैं, ये तुलसी वृक्ष में क्या शक्ति है? रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन है ये तुलसी वृक्ष में। हम लोग मेडिसिन शॉप में जाना, उनको बोलना तुलसी पावर है आपके पास में, देखना कितना बड़ा आपको शीशी मिलेगा, बोतल मिलेगा, और उसको साथ में इतना बड़ा पेपर मिलेगा और पेपर को पढ़ना। कहते 200 बीमारी की प्रतिषेध का जो मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। दो अगर कोई रोज तुलसी पत्ता खाए ना, कभी उसको टीबी कैंसर कभी जिंदगी में नहीं होगा। इतने मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। अगर गले में हम तुलसी माला पहनते हैं, स्नान करो, इसका पानी सारा शरीर में जाएगा, शरीर का सारी बीमारी को निकाल देती है। देखो हम ये गले में क्यों पहनते हैं? अब ध्यान देकर देखो इसमें क्या साइंस है, इतने बड़े साइंस है। ये तुलसी में सारे मेडिसिन, तुलसी में माँ लक्ष्मी नारायण का निवास है। कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग कंठ है। किसी व्यक्ति को मारना होना ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल गला ही दबा तो देखा खत्म हो जाएगा। इसलिए जब अंदर में कोई गंदी चीज प्रवेश करे वो इधर से प्रवेश करता है,
इसलिए बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हो? कहाँ पहनाते हो? गले में। मुसलमान देखो, क्रिश्चियन देखो, गले में कुछ ना कुछ पहनते हैं। बोले क्यों पहनते हैं? बोले कोई गंदी चीज अंदर में नहीं प्रवेश करे। और ये जो तुलसी में सारे मेडिसिन लक्ष्मी की निवास है, कोई भी गंदी चीज तुम्हारी अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। अगर गले में तुलसी कटी धारण करोगे, ये तुमको कवच जैसे ही रक्षा करेगा। इसमें इतने शक्ति है। और भागवत में जमदूतों को जम महाराज कह रहे हैं। बोले देखो, जो भक्ति नहीं करते हैं उसको मेरे पास में ले आना। बोले पता नहीं चलेगा कौन करता कौन करता नहीं। बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ते और एक फालतू कुत्ते। जो पालतू कुत्ते गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते हैं। और जो फालतू बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में कंठी मतलब है हम ठाकुर जी के आश्रय लिए। कभी भी जमदूत आपका तरफ में कभी भी नजर कभी नहीं उठाएगा। अब मरने का बाद सीधा भगवान का धाम में जाओगे। इसलिए सबको गले में तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। आप वृंदावन में जाओ, इस्कॉन मंदिर में जाओ, अंग्रेजी लोगों को देखो, हैं? अंग्रेजी लोगों को देखो जो लंदन फ्रांस अमेरिका से आए, गले में मोटी मोटी तुलसी कंठी तिलक माला सब जप करते हैं। इसलिए गले में कंठी हमारी होनी चाहिए। इसलिए जिनकी इच्छा होगी हम गले में कंठी पहनेंगे, कथा के बाद में यहाँ आना, आपको हम तुलसी कंठी देंगे पहनने के लिए, ठीक है? जिसको इच्छा होगी। लेकिन इसको पहनने के लिए मांस मछली तो खानी नहीं चाहिए, इसलिए प्याज लहसुन भी इसके लिए नहीं खानी चाहिए। जो पहनना चाहते हो कथा के बाद में यहाँ से तुलसी माला ले लेना, ठीक है? इसलिए तुलसी माला। और दूसरी चीज है एकादशी व्रत रखनी चाहिए। भागवत में केवल एकादशी की कथा आती है। आप लोग एकादशी व्रत रखते हो? कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो? करी करी आप लोग रखते हो। जो लोग नहीं रखते हैं ना, आप जरूर एकादशी व्रत रखो। एकादशी व्रत को बताया, ये कल्प वृक्ष व्रत है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगो वही दे देता है। अब अगर आपके पास में कोई एकादशी का ग्रंथ होगा ना, जरूर पढ़ना। एक एकादशी का नाम है पुत्रदा। मतलब नंद जसोदा के घर में जो पुत्र नहीं था, जब उन्होंने एकादशी व्रत की, वो एकादशी व्रत से कृष्ण जन्म हुए, इसका नाम पुत्रदा। एक का नाम पाप मोचन, जो एकादशी करने पर वो सारे पाप नष्ट हो जाता है। एक का नाम है इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जो एकादशी व्रत करने से माँ लक्ष्मी के घर में कृपा होती है। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने से जीव को मुक्ति प्राप्ति होती है। अगर आपके पास में एकादशी ग्रंथ आप जरूर पढ़ना, क्योंकि जो कुछ एकादशी व्रत करके मारोगे ना, कोई फल मिलेगा। और 15 दिन में एक बार ये एकादशी आती है। यहाँ कोई राजस्थान के यहाँ पर है? कौन राजस्थान के? कोई राजस्थान के? एक दो। और कोई राजस्थान के? आप भी राजस्थान के हो। देखो राजस्थान में एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, उसको प्राण नहीं जा रहा है, साल साल तक वो पड़ा हुआ है, अगर किसी ब्राह्मण को बुलाओ, इनकी सदगति जल्दी से जल्दी कैसे होगी? वो कोई बार व्रत का नाम नहीं बोलेगा, बोलेगा कोई हो तो एकादशी व्रत करके इनको फल दे दो। देखना एकादशी की इतने महिमा है, वो फल देते ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसी समय सारे पाप नष्ट हो जाएगी। मैं कुछ दिन पहले यूरोप गया था, यूरोप में मैंने प्रचार करने के लिए गया था। एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में भर्ती, शरीर में केवल हड्डी हड्डी, उसका प्राण गले में आ गया लेकिन उसका प्राण नहीं जा रहा है, बड़ा दुख कष्ट उठा रहा था। मेरे को उसका परिवार वाले हॉस्पिटल में ले गए यूरोप में। बोले बाबा इनकी मृत्यु नहीं हो रही है, शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया और हमको बड़ा कष्ट मिल रहा है, इनकी मुक्ति कैसे जल्दी जल्दी मिलेगी? मैंने कहा एक काम करो, एकादशी व्रत करके इनकी फल दे दो। बोले बाबा अभी 10 दिन बाद में एकादशी आएगी, इनकी कष्ट देखी नहीं जा रही है। मैंने कहा आप संकल्प करो पूरा परिवार, जब हम सबके सब मिल करके एक एकादशी का फल देंगे। उन्होंने संकल्प किया तो उसी रात कोई उसने शरीर छोड़ा, उसी रात कोई शरीर छोड़ा। आप देखना बड़े से बड़े पाप कोई भोग कर रहा है, किसी तरह से वो पाप से निष्कृत नहीं,
केवल आप एकादशी व्रत करो एकदम सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वृंदावन में जब हमारे बड़े गुरु जी थे, एक गैया की एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गई, वो मेन रोड में पड़ी हुई, हड्डी हड्डी एकदम टूट गई, बड़ी छटपट कर रही थी। अमेरिका की एक माता जी थी हमारे बड़े गुरु जी की शिष्य, हमारे गुरु जी को बोले गुरुदेव एक गैया को एक्सीडेंट हो गई, पूरा हड्डी हड्डी टूट गई लेकिन मृत्यु नहीं हो रही, छटपट कर रही है। गुरु जी ने कहा एक काम करो, तुम जाओ उसको कानों में इतना सा बोलना मैं एक एकादशी व्रत करके उसका फल दूंगी, केवल इतना बोल दो। उससे उन्हें बोलने का साथ साथ गैया ने प्राण छोड़ दिया। इसलिए ये एकादशी, इसलिए भागवत में ना कोई सोमवार का व्रत नहीं, मंगलवार का व्रत नहीं, बृहस्पति कोई व्रत ही भागवत में नहीं, केवल भागवत में एक एकादशी की ही कथा ये भागवत में आती है। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना। लेकिन कुछ लोगों का कुछ धारणा है इसका फिर उद्यापना करना पड़ता है, लेकिन नहीं, हम लोग उद्यापना नहीं करते। एकादशी की राधा जी की स्वरूप है, उद्यापना मतलब उसको त्याग देना, नहीं हम राधा रानी को कभी त्याग नहीं देते हैं। इसलिए हमारे भक्ति मार्ग में ये उद्यापन का कोई नाम नहीं, आप कभी से भी ये एकादशी व्रत को आरंभ आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए जरूर एकादशी व्रत रखना। जो जो तीसरी चीज है, हर घर में ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना। घर में ठाकुर जी को जैसे सगर उठो, ठाकुर जी को गोपाल होएंगे नहीं तो राधा कृष्ण होएंगे, इनको स्नान कराओ। मैंने किसी किसी घर में जा करके देखा, ठाकुर जी इतने महिला है, इतने एकदम काले पड़े हुए ठाकुर जी, और कभी कभी एक पोशाक को 10 दिन से 15 दिन से ठाकुर जी पहन कर बैठा हुए, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। जैसे हम भी कभी कभी शरीर में साबुन लगाते हैं, लगाते कि नहीं शैम्पू लगाते हैं, इसलिए ठाकुर जी को जैसे दही होता है ना, दही से नहीं तो नींबू से रगड़ करके ठाकुर जी को साफ करनी चाहिए ठाकुर जी को। और रोज जैसे कोई वस्त्र पहनानी चाहिए, जैसे हम रोज रोज नया वस्त्र पहनते कि नहीं, अपना आलमारी में देखो घाघर में कितना साड़ी हम लटका करके रखी, कभी कभी ठाकुर जी के लिए 2-3 कपड़ा पहना हुआ उसको कहीं पहना देते नहीं। ठाकुर को जो जितने सुंदर श्रृंगार करोगे ना, देखना घर में तुम उतना सुंदर तुम सज जाओगे, घर में उतना शांति सुख आएगी घर में। इसलिए ये कोई पत्थर नहीं, ये कोई पत्थर नहीं, ये कोई सिल्वर नहीं, हाँ ये कोई अष्ट धातु नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण है। ये जीव को ऊपर में कृपा करने के लिए ये विग्रह का रूप में ठाकुर जी आए। अगर आप इनको सही सही सेवा करोगे ना, देखना ठाकुर साक्षात तुमसे बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे ठाकुर जी, कोई भी चीज हो ठाकुर जी तुमको स्वप्न देंगे। अगर उनको सही सही सेवा करोगे तो सब कुछ। वृंदावन में एक माता जी, पहले बताया ना, वृंदावन में एक माता जी जिंदगी भर लड्डू गोपाल की सेवा की, जिंदगी भर जो वृद्धा हो गई कृष्ण स्वयं सेवा करते थे, उनके लिए पानी लाना, बाजार कर लेना, उनके लिए रोसोई बनाकर खिलाना कृष्ण स्वयं करते थे, ये वृंदावन की कथा है। इसलिए अगर भगवान के लिए करोगे तो भगवान भी तुम्हारा लिए करेंगे, ठीक है ना। इसलिए घर में अच्छे तरह से ठाकुर का सेवा पूजा करनी चाहिए। मैंने वहां पर एक सुंदर कथा सुनाया था, देखो ध्यान देकर सुनो, ये अयोध्या की कथा है। एक समय कोई गुरु जी थे, उनका एक छोटा बच्चा कोई शिष्य था, उसका नाम था रामदास। क्या नाम था? क्या नाम था? रामदास। अभी गुरु जी को किसी काम, विशेष काम में जाना पड़ेगा, बोले बेटा ठाकुर को कुछ दिन के लिए सेवा पूजा कर लोगे? बोले गुरुदेव अगर आदेश हो तो कर लूंगा। बोले देख बेटा ठाकुर को ठीक से खिलाना पिलाना, ठाकुर को अच्छे तरह से सजाना। बोले गुरुदेव कोई चिंता मत कर अब जाओ। अभी जब गुरुदेव चले गए, अभी ये क्या करता है, अभी रोटी बनाए, सब्जी बनाए और ठाकुर को सामने उन्होंने धर दिया। बोले ठाकुर जी उतर और खाना खाओ, लेकिन ठाकुर जी खाना ही नहीं खा रहे थे। लेकिन वो सोच रहा था जैसे हम खाना खाते हैं ना बैठ करके, ठाकुर भी ऐसे खाना खाएंगे, लेकिन ठाकुर जी खाना ही नहीं खा रहे हैं। बोले ठाकुर जी आप क्या नाराज हो मेरे ऊपर में, गुरु जी बोल करके गए ठाकुर को अच्छे तरह से खाना खिलाना, तब भी ठाकुर जी खाना नहीं खा रहे हैं। आप लोग अयोध्या गए हो? कौन कौन अयोध्या गए हो? अयोध्या कौन कौन गए? देखना अयोध्या में सरयू नदी है,
बोले ठाकुर जी अगर आप भोजन नहीं करोगे, देखो ये सौरभ जी बोल रहे हैं, मैं जा करके इसमें आत्महत्या कर दूंगा। अभी वो बच्चा आत्महत्या करने के लिए गया और जो भगवान राम थे ना वो हिल गए। बोले हनुमान जी जाओ जाओ जल्दी उसको पकड़ करके लाओ। वो छलांग लगाने जा रहा था, हनुमान जी पीछे पकड़ लिया। बोले ठाकुर जी खाना खा रहे? बोले खा रहे। बोले हाँ देखा सचमुच से भगवान राम भोजन कर रहे थे। अरे मैया जानकी भोजन की लक्ष्मण, अरे बाद में ये बच्चा भोजन किया। कुछ दिन बाद में बोले ठाकुर जी मेरे से अकेला हो नहीं पा रहा, अकेला लाओ भिक्षा करके, लकड़ी लाओ रसोई बनाओ, मैं छोटा बच्चा कितना करूंगा। भगवान बोले बताओ मैं कुछ करूं? बोले आपका घर का पिता है, आप केवल थोड़ी टोना बना देना और थोड़ा पता बना देना। बोले ठीक है। लक्ष्मण जी बोले मुझे कुछ करना पड़ेगा? बोले थोड़ी सी आप जंगल से सूखे लकड़ी ले आना। बोले भैया मैं तो वही करता था, अब रामलीला देखते होंगे। लक्ष्मण क्या करता था? सूखा लकड़ी लाता था। हनुमान जी बोले मुझको क्या कर कुछ करना पड़ेगा? बोले थोड़ी सी आप रखवाली कर लेना। बोले ठीक है। मैया सीता बोली मेरे को कुछ करना पड़ेगा? बोले आपका घर का मैया हो, मैया क्या करती है घर में बता, आप क्या करते हो? रसोई बनाती हो। बोले आप थोड़ा खाना बना देना। बोले बेटा मैं तो जंगल में यही करता था, वो केवल भिक्षा करके ले आता है और बढ़िया चकाचक सेवा हो रहा है और माता सीता सुंदर भोजन बनाती है। कुछ दिन बाद में गुरु जी की लेटर आया। बोले रामदास मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, केवल एक टाइम के लिए थोड़ा खाना बना देना, फिर मैं आकर के देख लूंगा। उन्होंने जाकर के माता सीता को बोले देखो माता जी गुरु जी की पत्र आया है, कुछ संत लोग गुरु जी को साथ में आ रहे हैं, बोले एक टाइम के लिए थोड़ा खाना बना देना। बोले बेटा कोई चिंता नहीं, तू थोड़ा ज्यादा भिक्षा करके ले आना। अभी उन्होंने गुरु जी को पास में पत्र भेज दिया। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, मैया सीता रोज रोज छापान भोग छतरी से व्यंजन बना रही है और भैया लक्ष्मण सूखे सूखे लकड़ी ले आते हैं और हनुमान जी भैया तो सारी सेवा कर लेते हैं, इसलिए गुरु जी मैं केवल भिक्षा करके लाता हूँ और सब सेवा कर देते हैं। मैया कहती है कोई चिंता मत करो। इतने में गुरु जी पत्र पढ़ करके बोलिए पागल क्या दे रहा है, मैया सीता खाना बना रही है, हनुमान जी देखभाल कर रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी लाते हैं। अभी गुरु जी को समझ में नहीं आया। इतने में गुरु जी जब आए ना संतों के साथ में, सचमुच से देखा वहां पर इतने खाना बना हुआ, छापन भोग छत्रीस व्यंजन पूरा घर में भरा पड़ा हुआ और देखा मैया सीता कोने में बैठी हुई और स्वयं खाना बना रही है मैया सीता। अभी मैया सीता गुरु जी को देख करके थोड़ी सी मीठी मीठी हंसती और वहीं पर मैया सीता अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई गुरु जी ने पूछा भैया ऐसे कैसे हो गया? तो चेला ने सारे बात बताया, ऐसे ऐसे मेरे खाना नहीं खा रहे थे, मैं सरज में मैंने आत्महत्या करने के लिए गया तो ठाकुर जी खाना शुरू कर दिए, फिर सबके सब सेवा हो रहा था। इतने में तो गुरु जी चेले के चरण में गिर पड़े। बोले भैया धन्य तेरे जैसे चेले पा करके मैं तो धन्य हो गया हूँ, है इसलिए आज तुम्हारी वजह से ठाकुर जी स्वयं माँ सीता स्वयं खाना बनाई। देखो अगर हम ठाकुर को सचमुच से घर में सेवा करोगे, ठाकुर जी को पत्थर नहीं मान करके, उनको अष्ट धातु नहीं मान करके सेवा करोगे ना, इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं उसको बाद में बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं अगर ऐसे अगर हम भक्त बने तो, इसलिए क्या करनी घर में तुम्हारी जो ठाकुर जी है उनको ठीक से सेवा पूजा करना, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 बोलो बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
चौथा चीज क्या लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए चौथा चीज है भगवान की नाम लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए, क्योंकि जो भागवत का जो सार है ना, वो ठाकुर जी का नाम है। जब भागवत शुरुआत हुई वो ठाकुर जी के नाम से हुई है, और जब भागवत समाप्त हो गई ठाकुर जी के नाम से। देखो भागवत का अंतिम श्लोक है, आप मेरे पीछे पीछे बोलना, अगर ये श्लोक आप बोल लोगे ना, ये भागवत का अंतिम जो भागवत का जो सार है, ये आपका फल मिल जाएगा। मेरे पीछे पीछे बोलना, बोले नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। और एक बार बोलो, बोले नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है। इसका मतलब है ठाकुर जी के नाम कीर्तन से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि सब कुछ ठाकुर जी की नाम से मिलेगा। सारे पाप नष्ट होएगा, घर में शांति सुख सब भगवान की नाम से ही मिलेगा। इसलिए आप देखो, भले ही जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आए, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात होता है। मतलब क्या, तुमने जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया है, केवल तो वही तुम्हारे साथ में जा रहा है। और जीवन में जो कुछ किया तुमने, झूठे में जीवन को झूठे में बिताया। इसलिए भागवत का सार ठाकुर जी की नाम है, हैं? हम लोग ने कितने दिन कथा सुनी है? आपको पता है सात दिन क्यों कथा सुनी? हम आठ दिन क्यों कथा नहीं सुने? नौ दिन क्यों नहीं सुने? कितना दिन सुने? सात दिन। ये यही लास्ट आपकी कथा है, आप इतना सुना कर कथा विश्राम हो जाएगी। सुना ये सात दिन क्यों कथा सुने? बोले एक समय को ये साधु किसी राज दरबार में आए, वो राजा से मिलना चाहता है। राजा सोचा भैया साधु क्यों आए, कुछ भिक्षा करने के लिए आए? दस रुपया उनको 100 रुपया पकड़वा दिया। साधु ने कहा देखो मैंने ये पैसा लेने नहीं, केवल एक मिनट जरूरी काम है, एक मिनट मेरा बात सुन लो। सोचा से आदमी का पेट नहीं भरा, उन्होंने 501 रुपया पकड़वा दिया। बोले हमें पैसा नहीं चाहिए, हम तो एक मिनट कोई जरूरी काम है। उन्होंने 1001 रुपया पकड़वा दिया। साधु बोले पैसा नहीं, मैं पैसा लेने आया ही नहीं, आपका कोई विशेष जरूरी, मैंने आपको कुछ संवाद सुनाने के लिए आया। बोले मेरे पास में कोई समय नहीं कथा सुनने का। तो उन्होंने रानी को पास में गई, बोले महारानी कोई जरूरी काम है, केवल एक मिनट में बात सुनाना चाहता हूँ। बोले बाबा आ जाओ घर में बैठो, आसन दे करके बैठा है। बोले बताओ। बोले महारानी मैं अपना भजन करते करते दिव्य दृष्टि से देखा कि जो देश का राजा है ना, ये 7 दिन में मरने वाला है। अभी अभी घर में शादी होकर के अभी अभी आई, अगर कोई बोले तुम्हारी पति 7 दिन में मर जाएगा, बताओ क्या होगा? इसको सुनकर तो डर गई। बोले आप क्या बता रहे हो, ये बात क्या सच है? बोले ध्रुव सत्य है, मैं अपना भजन करते करते दिव्य दृष्टि से मैंने देखा। आप राजा को इतनी सी बात बता देना। और बाबा वहां से चल दिए। रानी तो घबरा गई, उन्होंने एक दासी को बोले, बोले जल्दी जल्दी राजा को बुलाओ, रानी अभी अभी बुला रही है। अभी देखो राजा के पास में एक मिनट नहीं था संत से बात करने के लिए, लेकिन जब सुना रानी बुला रही ना, कोई जरूरी काम है, सारे काम को छोड़े वहां से भागे। अभी अभी नई नई शादी हुई ना, हैं? नहीं भागे। राजा आकर के बोले ऐसे क्या जरूरी काम पड़ गया, अभी अभी मैं गया ऑफिस में,
बोले आपके पास में कोई साधु गए थे, थोड़े से मिलना चाहते थे। बोले हाँ। बोले आप मिले कि नहीं? बोले मैं राज कार्य में बिजी था। बोले महाराज, घर में जब कोई साधु मिलने आते हैं, कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं, हे उद्धव जी, जब मैं किसी जीवों को पर कृपा करना चाहता हूँ, मैं साधु रूप में आकर उसको ज्ञान देता हूँ। आपके पास में एक मिनट नहीं था, मैंने बुलाया तो भागते भागते आ गए। बोले बात तो बताओ। बोले महाराज, बात बड़ा गहरा बात है। वो संतन ने बताया, आप 7 दिनों में मरने वाले हो। राजा तो दुखी हो गए। बोले क्या बोल रहे हो, 7 दिन में मरने वाला? तुम ठीक से पूछा कि नहीं? बोले ये भी मैंने पूछ लिया। उन्होंने कहा, मैं अपना दिव्य दृष्टि से देखा है, 7 दिन में आप मरने वाले। राजा तो घबरा गए। बोले बाबा गए कहाँ? बोले अभी अभी गए। भेज दिया। बोले बाबा को जल्दी जल्दी उनको पालकी में बैठा करके ले आओ। जब ले आए, उन्होंने माफी मांगे, आप बड़ी हाँ जो जरूरी काम में आए थे, मैंने मिला ही नहीं। बोले आपने बताया 7 दिन में मरने वाला? बोले हाँ। बोले क्या सच है? बोले ध्रुव सत्य है। राजा घबरा गए। बोले चिंता मत करो, आपने बहुत दान पुण्य किया है, इसलिए आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। लेकिन ये महाराज, वहां पर सारे सुख सुविधा वहां पर, लेकिन एक चीज की कमी है, वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर है। रात को जब सो गए ना, ये मच्छर आपको काटते रहेंगे। बोले फिर? बोले चिंता मत करो, वहां मच्छर दान का व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी एक कमी। बोले किस चीज की? बोले इसकी कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर? बोले फिर क्या? जब आप मरोगे, एक ही काम करना, यहाँ से एक सुई धागा साथ मिल जाए और उसको सिलाई कर दोगे ना, बस चैन की नींद आएगी। बोले महाराज, आप क्या बता रहे हो, सुई धागा ले जाने के लिए? बोले हाँ, एक सुई धागा ले जाना। बोले कैसे ले जाऊंगा? जब यहाँ मरूंगा यहीं पर तो हमें जला देंगे, फिर सुई धागा कैसे ले जाऊंगा? सुई धागा कैसे ले जाऊंगा? बोले महाराज, आपको पता है एक सुई धागा भी नहीं जाएगी। बोले ये दुनिया को पता है, ये दुनिया को पता, सुई धागा भी साथ में ले जाएगा। देखो संत क्या कहते हैं। बोले महाराज, मैं आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा था, जिस राज कार्य में आप इतने बिजी हो, कोई साधु आने पर भी एक मिनट का समय नहीं, लेकिन यहाँ से जब जाओगे ना, एक सुई धागा भी आपको साथ में चलने वाले नहीं, सब छोड़ कर ही जाना पड़ेगा। बोले बताओ, अंतिम समय में जब शरीर छूटता है, लोग क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, सबके बाद झूठा है। बोले मतलब क्या? बोले राम का नाम, कृष्ण का नाम केवल सच्चा है और जगत में सब झूठा है। बोले महाराज जी, ये बताओ, आप सच के लिए कितने समय देते हो और झूठ के लिए कितने समय दे रहे हो? भगवान की माला जप करते कि नहीं? बोले नहीं। बोले फिर साथ में क्या जाएगा तुम्हारी? बोले महाराज, आप ध्यान देकर सुनो, देखो आप लोग भी सुनो, एक अच्छी बात वो समझाने चाह रहे थे। उन्होंने ये नहीं बताया था 7 दिन को बाद में मर जाओगे। उन्होंने क्या बताया था? क्या बताया था? 7 दिनों में मरोगे। मतलब है 3 शादी है, 3 8 नहीं है। 3 कितना है? रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 3 7 3 8 नहीं, ये 8 दिनों में एक ना एक दिन हमें ये शरीर छोड़ना है, एक दिन शरीर छोड़ना। लेकिन जब हमारी शरीर छूटेगी, लेकिन हमारे साथ में एक सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगी। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब उन्होंने ये बात को सुनाया ना, बोले महाराज डरना नहीं, 7 दिन बाद में हम नहीं मरोगे, 7 दिन बाद में नहीं मरोगे, 3 7 है, जब मरोगे इतना एक दिन मरोगे। राजा सुन करके, वो तो आधा ही मर गया था, अभी 2 बार प्राण जान में आ गया, 2 बार आ गया। जब आ गया, राजा का जीवन परिवर्तन हो गया। अब मेरे तरफ में देखो, वो जो संत है ना, राजा को ऐसे के माला और एक झोली उन्होंने पकड़वाया। बोले महाराज, आप अभी जाने से पहले थोड़ी समय ये माला को जप करना, क्योंकि आपके साथ में यही धनी जाएगी। इसलिए मीरा कहती है, चोर नहीं लगे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हैं,
तब उन्होंने राजा को जब ये बात समझाई ना, राजा का जीवन परिवर्तन हो गया। तब तो उन्होंने ऐसे की माला झोली पकड़ाया, बोले बाबा आज से आप तो मेरे आंख खोल दिए हो, आज से मैं भगवान की भजन करूंगा, ठाकुर जी की मैं भक्ति करूंगा। मैंने आपको पहले बताया था जब श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने निमंत्रण दिया, हमारा घर में भोजन है, तो महाप्रभु क्या बोले, बोले सब तो घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाते हो, बोले जो लखपति बनेगा। बोले प्रभु जिंदगी में कभी लखपति बन ही नहीं सकते, क्योंकि आज 550 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। बोले हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, फिर हमारे घर में क्या खाना नहीं खाओगे। महाप्रभु बोले जानते हो असली लखपति कौन है, बोले कौन है, बोले वो जाना जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। देखो मेरे तरफ में देखो, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन बोलता था ना, करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति करोड़पति कौन कौन बनेगा करोड़पति, ये अमिताभ बच्चन बोलता था। यहाँ पर भगवान कहते भैया लखपति कौन बनना चाहते हो, बताओ कौन बनना चाहते हो लखपति, हाथ उठाओ। हाँ देखो लखपति कैसे बनोगे, ये भगवान समझा रहे हैं। देखो ये माला को देखो, जैसे ये माला में 108 मोती है, हैं? देखो कोई कोई भक्त मेरे को माला मांग रहे थे, मैं समझा देता हूँ, फिर दो बार आपको समझा नहीं पाऊंगा। ये कथा जब विश्राम होगी ना, आप लोग यहाँ से माला ले लेना। कुछ भक्त लोग मांग रहे थे माला, अब ध्यान देकर देख लो कैसे ये माला को जप करोगे। जैसे ये जो अंगुल को स्पर्श नहीं करना, क्योंकि ये सबसे पहले ये निकलता है, हम बोलते ना तुमको ठीक कर देंगे, इसलिए ये अंगुलों को हम सीधा ऐसे रखते हैं, ये बीच वाला अंगुलों को ऊपर रखते हैं, और ये जो है ना ये सुमेरु है। सुमेरु मतलब है ये राधा कृष्ण का रूप है। ये जो एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, ये बीच में राधा कृष्ण को रख करके ये रास कर रहे हैं। ये माला नहीं, ये माला रूप में स्वयं भक्ति भी है, ठाकुर जी की रास लीला है। इसलिए इसको जब जप करते हैं, ये सुमेरु को इधर रख करके इस तरफ से ये बीच वाला अंगुल को ऊपर में इसको जप करते हैं। ध्यान देकर देख लो कैसे माला जप करोगे। जैसे हरे कृष्ण मेरे साथ में बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें एक मोती सरकेगा, फिर दो बाल बोल कर दो मोती सरकेगा। देखो लखपति कैसे बनोगे, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना बार हो गया 16 बार हो गया है एक नाम से। इसमें कितने मोती हैं, 108 हैं। ऐसे माला करते करते देखो ध्यान दो, जब यहाँ पर समाप्त हो जाए, इसको ऊपर में अंगुल को पार नहीं करानी चाहिए। बोले क्यों, बोले ये राधा कृष्ण है, इनको पार नहीं करवानी चाहिए, नहीं करके उसको ऐसे घुमा देना, ठीक है, इसको ऐसे घुमा करके फिर दूसरे तरफ से माला करना। जैसे सवेरे नहा धो करके हैं, अगर इसकी 16 माला अगर कर लिया ना, ये हो गया 25,000। अगर किसने 64 माला कर लिया तो हो गया 1,00,000। ये भगवान खुद कहते हैं, बोले तुमने 1,00,000 माला नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फीस डिपॉजिट होगी। ये भगवान खुद कहते हैं, बोले अगर फीस डिपॉजिट करेंगे ब्याज कितना मिलेगी। इसलिए मीरा कहती है, दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। अगर आज 1,00,000 किया ना, कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में कितना हो जाएगी, कितना होगी 4 दिन में, 2,00,000। मतलब ये धन इतने जल्दी तेजी ये धन बढ़ती है। लेकिन जैसे इसी जगत में धन कमाया, मानो 100 करोड़ की आज मालिक है, ये सर्दी छूट जाए, बताओ कितना पैसा जाएगी, कितना पैसा जाएगी तुम्हारे साथ में, पैसा जाएगी तुम्हारे साथ में, सब यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा। अगर मेरे गुरु जी कहते थे, अगर पिछले जीवन अगले जीवन में एकदम गरीब होकर के जन्म लिया, पहले का कोई पुण्य था, इसी जीवन में करोड़पति बना, इसी जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया तो किसी गरीब घर में जन्म हुआ, अभी रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम्हें पता है
ये मेरे बेटा ये मेरी बेटी दुकान मकान ये मैंने कमाया था, अगर अपना बेटा बेटी से मान लो बताओ देंगे कि नहीं, बताओ देंगे कि नहीं आपको, देंगे आपको कोई भी नहीं देंगे, तुमको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मीरा कहती है ये ऐसे जो धन है अगर इसको कमाओगे ना, जो कमाएगा वही मालिक बनेगा, पत्नी भी ले नहीं सकता बच्चा भी नहीं ले सकते, अगली जीवन में तुम्हें ब्याज समेत मिलेगी। कौन सा धन है? भगवान के नाम धन है, ठीक है ना। जो लोग माला लेना चाहते हो, जैसे कथा भी विश्राम होगी, आप आकर के माला ले लेना, और घर में जैसे नहा धोकर के खाने से पहले दो माला जप कर लेना। क्या करो, कितना समय करोगे? खाने से पहले दो माला जप कर लेना, ज्यादा करोगे तो अच्छी बात है। फिर